अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैथमेटिक्स 4024, वेलकम टू मैथ्स गुरु। स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व वन क्वेश्चन ऑन एवरीडे मैथमेटिक्स, एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम द पास्ट पेपर्स। मई जून 2023 का क्वेश्चन है, पेपर टू वेरिएंट टू का। दिस क्वेश्चन हैज टू पार्ट्स, इसका पार्ट ए है और पार्ट बी है। इंशाल्लाह इस वीडियो में पार्ट ए सॉल्व कर लेते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वी विल सॉल्व पार्ट बी एज वेल। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द क्वेश्चन। थोड़ा सा रीड आउट करते हैं क्या दिया हुआ है हमें। A shop buys some fruit. The table shows the bill for this fruit. हमें एक बिल दिया हुआ है नीचे जिसमें उसने कुछ आइटम्स दिए हुए, और देन वी हैव द क्वान्टिटी इन के जी, प्राइस पर के जी डॉलर्स में दिया हुआ है, और फिर हमें कॉस्ट प्राइस भी दी हुई है डॉलर्स में, और टोटल कॉस्ट प्राइस भी हमें दी हुई है। भाई हमारा जो बिल का टोटल कॉस्ट प्राइस है वो है $240.30। अच्छा, अब इस बिल में जो है ना कुछ चीज़ें जो है वो मिसिंग है, जैसे पी क्यू आर एस, हमें चार वेरिएबल्स यहाँ नज़र आ रहे हैं। वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ दोज वेरिएबल्स। तो उसके लिए पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसने बिल को फिल कैसे किया है। तो अगर मैं अपने पहले आइटम पे देखता हूँ बनानास, तो उसकी क्वांटिटी जो है केजी में 50 है। देन वी आर प्रोवाइडेड विद द प्राइस पर केजी इन डॉलर्स, ठीक है। प्राइस पर केजी इन डॉलर्स इज 0.51 और उसने 50 केजी बाय किया है। तो इसका मतलब है कि 50 को जब मैं 0.51 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आई विल गेट द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ बनानास, जो कि $25.50 आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब ऑरेंजेस के बारे में वो मुझसे कह रहा है कि ऑरेंजेस जो हैं वो उसने 72 केजी बाय किए हैं। द प्राइस पर केजी ऑफ ऑरेंजेस इन डॉलर इज 1.35, और फिर आगे जो कॉस्ट प्राइस है डॉलर में वो उसने पी लिखा हुआ है। तो मुझे ये पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चूँकि मैंने ऊपर से आइडिया कर लिया है कि उसने क्वांटिटी और प्राइस पर केजी को मल्टीप्लाई करके कॉस्ट प्राइस निकाली है, ठीक है। और वैसे भी मुझे समझ ही आ रहा है कि भाई एक केजी की प्राइस जो है वो 0.51 है, तो 50 केजी की क्या प्राइस होगी, 0.51 मल्टीप्लाई बाय 50, तो मेरा आंसर आ रहा है 25.50। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो तुम इसको मल्टीप्लाई करके वेरीफाई भी कर लो, 25.50 तुम्हारा आंसर आ रहा है। इसका मतलब है कि आप पी की वैल्यू निकालने के लिए तुम क्या करोगे, यू विल जस्ट मल्टीप्लाई 72 विद 1.35। तो पी की वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, हमें पी के लिए क्या करना है, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी वी विल जस्ट मल्टीप्लाई 72, और 72 के जी है, ठीक है। और एक के जी की प्राइस कितनी है, एक के जी की प्राइस है $1.35। तो मैंने क्या करना है, 1.35 को 75 से मल्टीप्लाई कर देना है। और सिंस ये पेपर टू का क्वेश्चन है, कैलकुलेटर इसमें अलाउ है, जल्दी से कैलकुलेटर्स यूज कर लेते हैं। 72 मल्टीप्लाई बाय 1.35 विल गिव मी एन आंसर ऑफ 97.2, ठीक है। $97.2 जो है दैट इज द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ ऑरेंजेस, क्योंकि मैंने 72 के जी बाय किया है। तो 97.2 जो है वो डॉलर्स में उसकी प्राइस हो गई, ठीक है। और मैंने जो है वो जल्दी से पी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है ना, तो अब मैं पी की जगह पे इसकी वैल्यू भी लिख देता हूँ, क्योंकि फिर आंसर स्पेस में अगर वैल्यू नहीं होगी ना तो फिर मुझे जो है ना वो मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ याद रखना कि जो आंसर स्पेस वो जो गिवन होता है ना वो होता है इसी वजह से कि जो फाइनल आंसर होता है ना तुम वहाँ लिख दो, ठीक है। तो पी जो है वो, इफ़ यू वांट टू राइट द यूनिट एज वेल, तुम यूज़ का वो भी लिख दो यूनिट को, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास जो पी की वैल्यू आ गई दैट इज $97.2। पी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, 4 मार्क का क्वेश्चन था तो 1 मार्क तो हमें मिल गया। अब जल्दी से आ जाओ, ज़रा देखते हैं कि क्या मैं आर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। आर की वैल्यू मैं फाइंड नहीं कर सकता क्योंकि मुझे क्यू भी नहीं पता, पहले मैं एस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं एस के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं ना इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ ना इक्वेशन बना के, तो मैंने लिखा 45 मल्टीप्लाई बाय एस विल गिव मी कितना होगा, 45 को जब मैं एस से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरा आंसर आना चाहिए 51.30, ऐसे ही है ना। तो बस अब मुझे जल्दी से पता है, सिंस आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एस, तो यहाँ 45 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जल्दी से एस की वैल्यू निकाल लो, एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 51.30 डिवाइडेड बाय 45। चूँकि मेरे पास कैलकुलेटर है तो मैं जल्दी से इसको फाइंड आउट कर लेता हूँ। पेपर टू में यही फ़ायदा है कि यू आर अलाउड टू यूज़ अ कैलकुलेटर, वरना फिर ये सारी वर्किंग हाथ से करनी पड़ती। तो 51.30 डिवाइडेड बाय 45 जो है दैट इज़ $1.14। तो मैं एस की वैल्यू लिख लेता हूँ जल्दी से, एस की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है, एस की वैल्यू आ रही है डॉलर्स में, तो मैंने एस के आगे जल्दी से डॉलर्स लिखा और दिस इज 1.14, ठीक है। चलो भाई, अब क्या रह गया मेरे पास, यहाँ भी मैं लिख लेता हूँ 1.14। अगर तुम्हें इसका यूनिट
नहीं भी लिखना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यूज लिख दो वही काफी है। तो दिस इज 1.14, ये भी हो गया डन। अच्छा भाई अब आ जाओ जल्दी से, अब मुझे आर की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन मैं आर नहीं फाइंड कर सकता जब तक मुझे क्यू ना पता चले। मैं क्यू फाइंड कर सकता हूँ क्योंकि मुझे टोटल जो कॉस्ट प्राइस है वो मुझे पता है, आई नो द वैल्यू ऑफ पी एज वेल। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस 240 में से इन तीनों को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, मुझे क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। तो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्यू, मैं क्या करता हूँ इसको थोड़ा सा जो है ना वो हाईलाइट कर लेता हूँ, ताकि दिस इज द वैल्यू ऑफ पी, ये मैंने पी की वैल्यू फाइंड कर ली है, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ एस। सही है, अब मैं जल्दी से जो है वो क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्यू, मैं क्या करूँगा, जो मेरा टोटल प्राइस है ना कॉस्ट, जो मेरा टोटल कॉस्ट प्राइस है दैट इज 240.30, ये तो मेरी टोटल बिल है, ये समझो ये मेरा टोटल बिल है। तो 240.30 मैंने जो है वो टोटल हो गया, इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ क्या क्या, इसमें से मैं 51.30 सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, और ठीक है तो 51.30 मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया। और मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्यू तो मुझे फाइंड करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, पी की वैल्यू है 97.2, तो 97.2 सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद जो लास्ट चीज़ है दैट इज 25.50, ये भी सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, तो मुझे जो है वो क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है तो दैट इज द वर्किंग फॉर क्यू। तो जल्दी से जो है वो कैलकुलेटर की हेल्प लेते हैं और क्यू की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू, मैंने सबसे पहले लिखा 240.30, ठीक है, उसमें से मैंने सब्ट्रैक्ट किया 51.30, ठीक है, और फिर मैंने सब्ट्रैक्ट किया 97.2, और फिर मैंने सब्ट्रैक्ट किया 25.50। तो मेरे पास जो क्यू की वैल्यू आ रही है दैट इज कमिंग आउट एज 66.3, ठीक है। तो क्यू की जो मेरे पास वैल्यू आ रही है दैट इज अगेन इन डॉलर्स, तो क्यू की वैल्यू भी मेरे पास डॉलर्स में आ रही है, और वो डॉलर में वैल्यू आ रही है 66.3। अब मेरे पास सिर्फ आर की वैल्यू रह गई है, जल्दी से मैं आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ और मुझे 4 मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर, ठीक है, ऐसे कॉलम्स बना लोगे ना। अच्छा यहाँ क्यू की वैल्यू नहीं लिखी मैंने, वो भी लिख देता हूँ, तो दिस इज 66.3। अच्छा अब इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर, वही करता हूँ, आर मल्टीप्लाई बाय 1.95। आर को जब मैं 1.95 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा जो आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, वो क्यू की वैल्यू आनी चाहिए, एंड क्यू की वैल्यू इज 66.3। तो अब मुझे सिंस आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, मैं क्या करूँगा, सिंपल आर विल बी इक्वल्स टू 66.3 डिवाइडेड बाय 1.95, ये भी जल्दी से कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, 66.3 डिवाइडेड बाय 1.95 विल गिव मी एन आंसर ऑफ 34। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 34। अब ये 34 जो है ये आर है, इसका मतलब है ये केजी में है, इसका मतलब है द वैल्यू ऑफ आर इज कमिंग आउट एज 34 kg। तो ये फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट का भी फर्स्ट पार्ट था ये। तो इसमें हमें चार चीज़ें हमसे पूछी थी, 4 मार्क्स थे, इनफ है वर्किंग, ठीक है। बस थोड़ा सा ये क्या हाईलाइट कर देते हैं, अगर दिस इज द वैल्यू ऑफ क्यू, यहाँ से मैंने क्यू की वैल्यू फाइंड कर ली, यहाँ से मैंने आर की वैल्यू फाइंड कर ली है। सिंपल मैंने देखा था, बिल है मेरे पास, क्वांटिटी है, प्राइस पर केजी है, मैंने दोनों को मल्टीप्लाई करके अपना जो कॉस्ट प्राइस है वो निकालता गया, फिर जब सारे कॉस्ट प्राइस आ गए उनको ऐड किया तो 240.30 बन रहा था। इसी ट्रिक से मैंने जो है वो अपनी सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली है। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं जल्दी से। सेकेंड पार्ट में वो कह रहा है द शॉप सेल्स ऑल दिस फ्रूट, ये जो उसने सारे फ्रूट खरीदे हैं ना ये इसकी कॉस्ट प्राइस है, इसने ये सारे फ्रूट जो है ना वो टोटल इस प्राइस में बेचे हैं उसने, ठीक है, इसने सेल किए हैं, बेचे हैं 325 डॉलर्स में, तो डेफिनेटली प्रॉफिट तो मिला है उसको, उसने खरीदे थे 240.30 के और उसने बेचे हैं 325। तो हमसे कह रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज प्रॉफिट, तो परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला याद है, परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज लॉस, परसेंटेज प्रॉफिट, इन सब का जो हमारे पास एक ही फॉर्मूला होता था, क्या होता था इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख लूँ, परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे पहले डिफरेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है, परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू डिफरेंस, तो मैं डिफरेंस के लिए जो है वो DIFF लिख रहा हूँ, और डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है, चूंकि प्रॉफिट हुआ है ना तो ओरिजिनल वैल्यू कह लो या ओल्ड वैल्यू कह लो, ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू कह लो या ओल्ड वैल्यू कह लो एक ही बात है, और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो अब डिफरेंस जो है वो जल्दी से निकाल लेता हूँ, क्या डिफरेंस आएगा भाई, अब डिफरेंस के लिए मैं क्या करूँगा,
डिफरेंस के लिए मैं क्या करूंगा, 325, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द डिफरेंस आई नीड टू सब्ट्रैक्ट 325। ये जो है मेरी नई वैल्यू है क्योंकि मैंने इस पे जो है वो अपनी सारी चीज़ें बेची हैं, तो 325 में से मैं माइनस कर लेता हूँ अपनी कॉस्ट प्राइस जो मैंने जिसकी ख़रीदी थी, तो वो कितना है, वो है 240.30। और जो भी डिफरेंस आएगा उसको ओरिजिनल वैल्यू मतलब जितने की मैंने ख़रीदी थी, तो 240 से डिवाइड करके, 240.30 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मेरा प्रॉफिट भी मिल जाएगा। तो 325 माइनस 240.30 ये आ रहा है मेरे पास तकरीबन 84.7। तो जल्दी से बस अपना अब फॉर्मूला लिख लेता हूँ, मेरा फॉर्मूला तो लिखा हुआ ही है, बस उसमें वैल्यूज इंसर्ट करते हैं जल्दी जल्दी। तो मेरे पास कितना आ रहा था, दिस इज 84.7 आ रहा है, सही है। तो 84.7 जो है वो न्यूमरेटर में आ गया, एंड देन आई हैव टू डिवाइड इट विद द ओरिजिनल वैल्यू। अब चूंकि प्रॉफिट हुआ है ना, तो प्रॉफिट जाहिर सी बात है ये न्यू वैल्यू हो गई, ओल्ड वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू 240 हो गई, क्योंकि उसी पर प्रॉफिट हुआ है ना मुझे, तो 240.3 लिख लेता हूँ इसको, ठीक है। एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 100 क्योंकि परसेंटेज निकालनी है, तो बस जो भी आंसर आएगा कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकालना है और उसको लिख देना है। तो 84.7 डिवाइडेड बाय 240.3 जो भी आंसर आ रहा है मल्टीप्लाई बाय 100, सो योर फाइनल आंसर इज 35.247 आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसको 35 पॉइंट, अगेन अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर दूँ तो ये 25 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 35.247 आ रहा है ना, 247 को राउंड ऑफ किया तो 35.25% इज द टोटल इज द परसेंटेज प्रॉफिट, क्योंकि उसने बेची थी चीज़ें $325 की और ख़रीदी थी इसने 240.30 की। तो दैट वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इंशाल्लाह सेकेंड पार्ट के लिए जो है ना वो दूसरी वीडियो बना दूंगा, कि लंबी हो गई है ज़्यादा, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, वीडियो मैथमेटिक्स का, बस से ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करना था।